नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जुलाई को हुए लोकार्पण के मंच पर हंगामे के बाद आज इसमें एक नया मोड़ आ गया। कार्यक्रम के दौरान बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंच पर से इस लोकार्पण का बहिष्कार किया था, क्योंकि शिलालेख में सिंधिया का नाम नहीं था। आज इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कार्यक्रम स्थल पर प्राप्त हुआ एक और अन्य शिलालेख, जिसमें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री बीजेपी सरकार दिग्विजय सिंह, इन तीनों के नाम शिला पट्टिका पर लिखे हुए थे, जिन्हें 23 तारीख को लोकार्पण होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नवीन शिलालेख बनाए गए, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया जो भाजपा के मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना के सांसद हैं, एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन तीनों के नाम नवीन शिलालेख पर नहीं थे, उनका लोकार्पण कराया गया। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर विजय दत्ता ने कहा कि उन्होंने जो भी किया वह गलत नहीं किया। साथ ही जिस पट्टिका वाली बात पर उन्होंने बताया कि ये जो पट्टिका है जिस पर सिंधिया समेत दिग्विजय सिंह एवं यशोधरा राजे सिंधिया का नाम अंकित है, वह उन्होंने नहीं बनवाई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पट्टिका NHIA के द्वारा बनाई गई थी, जो कि स्वीकृत नहीं हुई, इसलिए उसे हटा दिया गया। वहीं जो आरोप विधायक लगा रहे हैं वह सरकार के हाथ की कठपुतली हैं, उसे निराधार बताया। 23 तारीख को 4 लेन का जो लोकार्पण समारोह हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर एक नया तथ्य आज सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है। जो पट्टिकाएं आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, वो पट्टिकाएं 20 और 19 तारीख को लगाई गई थी, जिनको बाद में हटाया गया और कुछ पट्टिकाओं को तोड़ा गया, और उसके पश्चात में 23 तारीख को जो लोकार्पण समारोह हुआ उसमें नई पट्टिकाएं लगाई गई। जो पुरानी पट्टिकाएं हटाई गई थी या तोड़ी गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से आप सब देख सकते हैं कि क्षेत्र के सांसद श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम उन पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है, किंतु ये स्पष्ट हो गया कि प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य किसी नेता के दबाव के कारण कलेक्टर और पूरे समस्त प्रशासन ने उन पट्टिकाओं को बदला और बदलने के बाद नई पट्टिकाओं को लोकार्पण समारोह में प्रदर्शित किया गया। ये स्पष्ट रूप का संकेत है कि जानबूझकर प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आभा मंडल से भयभीत होकर ये कार्य इन्होंने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। लग ये रहा है कि 20 से 21 तारीख के आसपास पट्टिकाएं बनी थी और उन शिलालेखों पर क्षेत्रीय सांसद श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिखा गया था, किंतु बाद में प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य किसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में आकर कलेक्टर ने और प्रशासन ने उन पट्टिकाओं को हटाया। हटाने के बाद दूसरी पट्टिकाएं बनाई गईं और उसका ही लोकार्पण किया गया। कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के दबाव में कलेक्टर ने यह सारा कार्य किया है। दूसरा एक तथ्य और सामने आया है कि जब मंच पे मैंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और कलेक्टर जब मुझे स्वच्छताकर्मी धक्का दे रहे थे, उस समय जिलाधीश विजय दत्ता उनके पीछे थे, और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि कलेक्टर गुना ने किसी जनप्रतिनिधि को, विधायक को धक्का देते हुए आपत्ति क्यों नहीं की, इसका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं। उसमें देखिए, विधायक मंगोरी जी को शायद पूरी जानकारी नहीं थी कि हमने माननीय सांसद जी के से संपर्क करने की पूरी कोशिश की थी। जिस नंबर से हम सारे कार्यक्रमों के लिए संपर्क करते रहे हैं, जिले के मीटिंग के लिए हो या राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में भी हमने उसी नंबर से संपर्क किया। उनके नित सचिव का ही नंबर हमारे पास था, उनका पर्सनल नंबर नहीं था। उसमें हमने संपर्क किया 20 तारीख को, जैसे ही गडकरी जी का प्रोग्राम फाइनल हुआ, क्योंकि हमें लगा कि उस स्तर का कार्यक्रम होगा और सांसद जी को उसकी जानकारी और उनकी अनुमति के बाद ही आमंत्रण पे उनका नाम हमें छापना चाहिए। वही हमने किया। उनके PA ने हमें बताया, हमें जानकारी दी कि वो नहीं आ पाएंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, उपस्थित नहीं रह पाएंगे, तो उस वजह से हमने उनका नाम आमंत्रण कार्ड पर नहीं रखा। अगर और इसकी जानकारी सभी को पूरे ज़िले में हर जगह पे पिछले 2 दिन से थी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, और विधायक जी ने हमसे कभी पूछा नहीं।
अगर पूछते तो हम पूरी बात बताते। उन्होंने बस सिर्फ कार्यक्रम में आके सीएम साहब से और मुख्य अतिथि श्री गडकरी जी से क्वेश्चन किया, तो हमने उनको बताया कि ये जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका जवाब देंगे, आप कृपया साइड में। उसके बाद जो हुआ आप सभी जानते हैं, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था ये धक्का मुक्की की गई जनप्रतिनिधि के साथ, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, धक्का मुक्की की बात नहीं। वो उस कार्यक्रम में जिस तरह से विधायक जी कहने लगे, वो उस कार्यक्रम वो मंच उस चीज़ के लिए नहीं था। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ थे जो दिल्ली से गडकरी जी के साथ आए थे और सीएम साहब के साथ, उनको पता नहीं था ये कौन। फिर उनको हमने खुद बताया कि ये माननीय विधायक है, कृपया रुक जाओ, तभी चीज़ें कंट्रोल में आई थी। और ये सब जो हुआ था आप सभी को पता है। कुछ शिला पट्टिकाएँ कल मिली हैं जिन पर सिंधिया के नाम, दिग्विजय सिंह जी का और यशोधरा जी का नाम था, तो वो क्यों हटाई गई थी? वो हटाई भी नहीं गई थी, वो रखी भी नहीं गई थी। कार्यक्रम NHAI का था तो वो रखी जाती, कार्यक्रम जिला प्रशासन का था, जो हमने शिला पट्टिकाएँ बनाई थी वही हमने कार्यक्रम स्थल पर रखी थी। कुछ पट्टिकाएँ जो टूट गई थी वो बारिश के वजह से नीचे गिरने पर टूट गई थी, उनमें से किसी पर भी ऐसा किसी का नाम नहीं था। जो NHAI के कुछ रहे हैं वो पट्टिकाएँ वहाँ पे थी, लेकिन वो NHAI ने खुद बनाई थी, वो हमारे अनुमति के द्वारा या हमारे संज्ञान के द्वारा नहीं की गई। वो उन्होंने किस तरह से बनाए, क्यों बनाए, उनको पता होगा, और वो जिला प्रशासन के बिल्कुल नहीं। और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें दूसरे ज़िले के विधायक का भी नाम उसमें लिखा था और माननीय यशोधरा जी मैडम का भी नाम लिखा था, वो सब हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं। वो पट्टी जो शिलालेख पट्टी थी जिनका नाम है वो कार्यक्रम स्थल पर मिली हुई, तो ऐसा क्यों मतलब उद्देश्य था माने? उसका शायद वो रखना चाह रहे थे, लेकिन NHAI का क्योंकि कार्यक्रम नहीं तक होनी थी, हमने बस हमारे इंजीनियर्स को और हमारे अधिकारियों को उन्हीं पट्टिकाओं को रखने का परमिशन दिया जो हमसे अप्रूव है। और क्योंकि हमने सिंधिया जी से परमिशन लिया था तो अगर लिया होता तभी हम वो रखते थे, नहीं लिया तो हम किसी का नहीं रखते थे। और उसमें कई सारे नाम थे, एड्रेस थे, तो हमने ना हमारे पास वो बात लाई गई थी, हमने बस जो बनवाए थे वही रखे थे। अच्छा, आप महेंद्र सिंह जी विधायक बमोली जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने राजनीति को चीन, बिल्कुल गलत है। एज ए कलेक्टर हमने नियम का पालन किया, हमें सिंधिया जी से पूछना था तो हमारे सांसद जी को हमने पूछा है, उनके PA के थ्रू ही हमारा संपर्क होता रहा है आज तक जब से हमने जिले में ज्वाइन किया, उनके थ्रू ही हमने पूछा है। ये बात विधायक जी को भी अच्छी तरह से पता है, और अगर उनको अप्रसन्नता थी हमसे एक बार पूछते थे, किसी ने पूछा नहीं, अगर होते पूछते तो हम पूरी जवाब दे देते। हमने नियम का पालन करके ही काम किया है और इसमें किसी के दबाव से काम करने वाली बात नहीं है। जो जो आते हैं सभी खुशी से इवेंट में रहते हैं और नियम का पालन करके ही सब कुछ किया। शहर के पठार मोहल्ला में स्थित एक कच्चे मकान की दीवार गिरी। पठार मोहल्ला में धर्मेंद्र सेन की कच्चे मकान की दीवारें विगत रात्रि भरभराकर गिर गईं। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं कच्चे मकान में पानी बैठ गया जिससे दीवारें गिर गईं। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब वह इस बात की जानकारी वार्ड पार्षद को देने गया तो उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। फिर पीड़ित तहसील और नगर पालिका में इसकी जानकारी देने गया। रात को हम सो रहे थे यहाँ पर, रात को 12 बजे क्या एकदम दीवाल से पूरी पानी आया था ना, उस टाइम रात को 12:30 बजे पूरी दीवार ही गिर गई। पूरी दीवार गिर गई। फिर इसकी आपने सूचना दी? सूचना में गया था, सुबह तहसील में गया था, पार्षद से बोला था। तो पार्षद साहब क्या बोले? पार्षद साहब ने बोल दिया कि यार ये मेरा काम नहीं है, कहीं वो तो कहीं तुम जाओ। कौन है? बंटिका। अच्छा, और इधर मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी को? नुकसान नहीं, वो थोड़ा सामान रखा था, वैसे वो तो हमने रात को हटा दिया था, मतलब थोड़ा बल्ली गिरी तो मतलब अपने लगी किसी की नहीं, मतलब लगी नहीं है जी। मतलब सो रहे थे आप लोग? हाँ, यहीं सो रहे थे हम पूरे पूरे परिवार। नालियों की सफाई ना होने के कारण घर में घुसने लगा है बरसात का पानी। हम बात कर रहे हैं पुरानी गल्ला मंडी की। यहाँ नालों की सफाई ना होने के कारण बरसात का पानी घरों में घुसने लगा है, जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई दुकानों में भी पानी घुस रहा है। देखना होगा कि नगर पालिका कब तक इस नालियों की सफाई करवाती है। हमारे तो दो शटर हमारी।
वो नीचे करवाए पिछले साल पूरी नाली साफ कर। पानी नालियाँ छोटे थी, पानी घर के अंदर भर जाता है। अच्छा, और तेज़ बारिश में और ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, उससे क्या क्या समस्याएं बन रही हैं आपको? मतलब ये नालियाँ जैसे साफ़ हो जाए ना, जिस ड्रेनेज सिस्टम, तो जो पानी पूरा निकल जाए कोई समस्या, मतलब नालियाँ पूरी चौक हैं? हाँ, पूरी चौक है, खासकर हमारी लाइन की तेल रानी तरफ से लेके और जो सरदार की तरफ। अच्छा, पूरी चौक है पानी है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर किसान को हुआ दूसरा दिन, लेकिन प्रशासन अब भी मौन। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन किसान की नहीं सुन रहा? क्यों दबंगों पर कार्रवाई नहीं करता? क्या वजह है कि जो किसान कहता है वो सही है कि दबंगों की पहुंच ऊपर तक है? तब मेरी ज़मीन पर लोग अवैध कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मेरी फसल को दो बार उजाड़ दिया गया। परेशानी जो चल रही है, इसमें आखिरी आपका विकल्प क्या रहेगा? विकल्प ये रहेगा, मैं अपना हक लेकर रहूँगा। किस तरह से हक लोगे? मैं अपना, जब तक मैं अपना अनशन जारी रखूँगा, जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, और यद हाँ मर जाऊँगा तो फिर से कुछ भी करें, लेकिन मेरे जिंदे जी मैं अपनी खेती में किसी का प्रवेश नहीं करने दूंगा। कल को अब जमीन मेरी है और उस जमीन में कोई गलत बिजाई कर दी उन्होंने या कुछ उस समय गलत वो कर दिया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर ये कह देंगे सरदार जी की थी, फंसेगा कौन? मैं म्याना से बाजितपुर तक जाने वाली रोड पर बनी पुलिया टूटी। आपको बता दें कि ये पुलिया भी एक माह पहले ही बनी थी, लेकिन ये पहले ही बरसात में टूट गई। इस रोड पर अभी सीसी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिया टूट गई। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोड बनाने में कितनी गुणवत्ता से काम हो रहा है। स्थिति है रोड की, गाड़ी पलटने से बच रही है, बार बार फिसल रही है। स्टाफ पूरा मदद कर रहा है, क्या कर रहे हैं? स्टाफ ऐसे ही खड़े हैं सब, बस मोटरसाइकिलों वाले परेशान हैं। तो अभी आप जो कर रहे हैं, पत्थर वगैरह डाल रहे हैं? निकालने मजबूरी, मोटरसाइकिल गिर गई, मदद से बच गए और जब मोटर नीचे जाने वाली है। क्या नाम है आपका? पूरा चंदेल लहरघाट। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गाँव से आ रहा हूँ। धरनावदा गांव का टूटा मुख्य मार्गों से संपर्क, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के पार से जाने को हुए मजबूर। धरनावदा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पैदल से लेकर मोटरसाइकिल वाहन चालकों को लेना पड़ता है रेलवे पटरी का सहारा। धरनावदा से रुठियाई मार्ग पर भारी वाहनों को निकलने में हो रहा मार्ग बाधित। धरनावदा को विजयपुर मार्ग से जोड़ने वाली सड़क पर बालाभेट नदी पर बने रपटे के ऊपर से तेजी से बरसात के पानी का बहाव होने के कारण वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। कुछ दिनों पूर्व भी यहाँ पर महिंद्रा पिकअप बह गई थी। धरनावदा से बेरखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी आ गया है। वहीं जगह जगह पानी होने से धरनावदा का संपर्क बाकी के क्षेत्रों से भी कट गया है। आप यहाँ से वापस जा रहे हैं? क्यों, क्या परेशानी है यहाँ पे? ये पुलिया में निकलने की नहीं बन रही है, बरसात का पानी इतना तेज है कि निकल नहीं पा रहा है। उस साइड गांव है हमारा, तो आप क्या बारिश आती है तो यही परेशानी खड़ी हो जाती है। अभी कहाँ से निकलेंगे आप? अभी उधर रेलवे ट्रैक से निकलेंगे। हाँ, परेशानी का तो है ना, इतनी परेशानी है।
जब पानी नहीं जा रहा था बिल्कुल चढ़ रही है, तो चढ़ रही है, चढ़ा गया बिल्कुल। और पहले भी आ रहे हैं बस साइड के, बस साइड के हैं। हाँ धन्नावदा से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। भौरा नदी अपने उफान पर आ गई है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते झागर, परवा, फतेहगढ़, धन्नावदा आदि क्षेत्रों में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। साथ ही भौरा नदी के उफान पर आ जाने से नदी के दोनों तरफ लंबा जाम भी लग गया है। झागर से हमारे सहयोगी जालम करार की रिपोर्ट। लायंस क्लब गुना सिटी द्वारा आयोजित किया गया अपना पदस्थापना समारोह। इस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विशेष पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्त मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस समारोह में लायन एवं लायनेंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, साथ ही उन्हें शपथ भी दिलाई गई। मौके पर क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। मेरे अंदर चौधरी जी का माल्यार्पण स्वागत है। मेरा अनुरोध वर्ष 2017-18 के सचिव लॉर्ड राजेश सिंह के शपथ। गिरिराज जी दर्शन करके देहरी कला के युवक वापस लौटे। आपको बता दें कि ये युवक 14 जुलाई से पैदल यात्रा कर गिरिराज जी धाम पहुंचे थे, जो कि आज वापस लौट आए। उक्त श्रद्धालुओं ने बताया कि वह रुक रुक कर गिरिराज जी पहुंचे, जगह जगह पर उनका स्वागत भी किया गया। 14 तारीख आप तीनों लोग गए थे? तीनों लोग गए। अब बताएं यहाँ से जाने के बाद क्या किया और कहाँ तक किया? यहाँ से जाने के बाद गुना रुके, गुना से बदरवास रुके, बदरवास से और आगे मंदिरन पे रुकते रुकते गए। कोई परेशानी नहीं आई, बढ़िया व्यवस्था रही।
खाने पीने की भी अपने घर पे नहीं पूछेंगे, इतनी पूछी बढ़िया जनता ने, लोगों ने बढ़िया खाना दिया, प्रसाद को पैसे दिए, खाने को भी पैसे दिए, खाना खिलाया, चाय पिलाई, केरा सेव फल जो भी व्यवस्था बढ़िया करी। यात्रा पैदल सफल रही, गिरिराज जी महाराज की कृपा से ऐसी यात्रा बनी रहे सदा के लिए। कितने दिन लग गए आपको? 11 दिन हुए हैं, 26 तारीख। कितने दिनों में पहुंच गए थे आप? 10 दिन में। पैदल यात्रा की तीनों तो आप कितने दिन तक पहुंच गए थे? 10 दिन में। कौन से गांव के रहने वाले हैं? बेरी कला से। वेतन संबंधी अनियमितताओं को लेकर विगत 23 तारीख से चली आ रही लिपिक वर्ग की हड़ताल जारी रहेगी। लिपिक संवर्ग का आरोप है कि लिपिकों की ग्रेड पे उन्नयन एवं रमेश चंद्र शर्मा समिति की अनुशंसा तथा चतुर्थ श्रेणी की मांगों के प्रति शासन का कोई ध्यान नहीं है। उन्हें ध्यान दिलाने के लिए हड़ताल जारी रहेगी। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दिनांक 23/7/18 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस संबंध में गुना द्वारा भी 26 कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसमें जिले के सभी लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी संवर्गों पर ध्यान दिया गया था, किंतु प्रदेश के लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें रमेश चंद्र शर्मा समिति की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी द्वारा भी लिपिकों की अनुशंसा का अनुमोदित की गई थी, उसके बावजूद भी शासन द्वारा अभी तक 23 मांगे मंजूर नहीं की गई हैं। इसलिए ही शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पुनः जारी की जा रही है। इसमें चतुर्थ श्रेणी की मांगे भी सम्मिलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में भी घोषित की गई थी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी की मेन मांग है उनकी आयु 64 वर्ष एवं उनकी श्रेणी परिवर्तक का नाम किया जाना है। अच्छा, इस हड़ताल से जो शासकीय काम प्रभावित होंगे वो कौन कौन से हैं? इस हड़ताल से मुख्य राजस्व विभाग प्रभावित होगा, क्योंकि ये हड़ताल सभी तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। लिपिकों द्वारा ही अधिकतर कार्य किया जाता है, इसलिए शासन की मुख्य योजनाएँ एवं महत्वपूर्ण कार्य पूर्णतः कल से प्रभावित रहेंगे। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।